दोस्तों, भारत में कुश्ती का खेल राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा दोस्तों है। पहलवानों के कान अलग ही दिखते हैं, उनके कान तोड़े नहीं जाते बल्कि टूट जाते हैं। दोस्तों पहलवान ज्यादा वर्कआउट करते हैं और ज्यादा मेहनत करने के कारण शरीर का तापमान एक विशेष स्तर पर पहुंच जाता और है। इसके बाद अगर आपको एक छोटा सा मुक्का आपके कान पर लगेगा तो आपकी रक्त कोशिकाओं को फाड़ सकता है, आपकी कान की हड्डी को तोड़ सकता है। बाद में कान में खून भर जाने से कान की बनावट में बदलाव आ जाता है। लेकिन पहलवान इसका इलाज नहीं करवाते क्योंकि इलाज के बाद ये फिर टूट सकते हैं। लेकिन टूटते रहने पर इनमें कोई समस्या नहीं होगी। अमेरिका में इसे कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं। दोस्तों जो पहलवान को चोट लगती है तो खुद ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि पहलवानी में चोट लगना और फिर आयुर्वेद तरीके से उसका उपचार करना सामान्य बात है। कई बार कुश्ती करते समय मोच आ जाती है। एक पहलवान को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो खुद ठीक कर ले। और पहलवान की ज्यादा डाइट लेने की सरासर बात गलत है। पहलवानों को अपने वजन को लेकर बेहद सतर्क रहना होता है। एक पहलवान ज्यादा खा जरूर सकता है लेकिन अच्छा पहलवान ऐसा कभी नहीं करेगा। असलियत में अखाड़े में मिट्टी डालते समय उसमें हल्दी, तेल, मेहंदी को भर भर कर मिलाया जाता है ताकि वो नरम रहे और शरीर की चोट को ठीक करे। पहले के जमाने में अखाड़े की मिट्टी में दूध या मट्ठा भी मिलाया जाता था। अखाड़े की मिट्टी के लेप से चोट ठीक हो जाती थी। लेकिन अभी के अखाड़े में सामान्य मिट्टी मिलाई जाती है जिसमें सिर्फ पानी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहलवान के कान ऐसे क्यों होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राजे वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।